यूट्यूबर एल्विश यादव के बाद फुकरा इंसान ने दिया इंटरव्यू। मनीषा रानी को लेकर बोली ऐसी बात। मनीषा हैशटैग बॉस लेडी मनीषा रानी हुई ट्रेंड। एल्विश और फुकरा के भी उड़ गए होश। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। इस समय एल्विश यादव और मनीषा रानी की जो भी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, हेटर्स उसमें ज़रूर मज़े ले रहे हैं। और जो फैंस प्यार करते हैं, चाहे वो मनीषा को हो चाहे वो एल्विश को हो, जाहिर सी बात है अगर वो लॉयल फैंस हैं तो वो अपने क्रिएटर को छोड़कर दूसरे क्रिएटर को भी हेट नहीं देंगे। लेकिन इस बीच जो एल्विशा फैंस हो या फिर सोलोस हो, हर तरफ से एल्विश और मनीषा जो है वो निशाने पर हैं। लेकिन हाँ, मनीषा ने एक बार फिर बता दिया है कि मनीषा को किसी भी शिपिंग फैंडम की ज़रूरत नहीं है। बॉस लेडी मनीषा, सेविज बॉस लेडी मनीषा, ये ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जा रहा है। हैशटैग मनीषा, हैशटैग मनीषा रानी। और अभिषेक मलहन का भी एक नया इंटरव्यू सामने आ चुका है, जहाँ पर अभिषेक ने मनीषा को अपना बेस्ट फ्रेंड बताया है। अब बात जो भी हो फुकरा इंसान और मनीषा की, लेकिन एक बात तो साफ है कि जितने अच्छे दोस्त फुकरा और मनीषा जितना दिखा रहे हैं इंटरव्यू में, उतनी अच्छी दोस्ती एल्विश के साथ मनीषा की नहीं चल रही है। लगातार अनफॉलो वाले कंट्रोवर्सी पर एक एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है, चाहे वो एल्विश की तरफ से हो चाहे वो अब मनीषा की तरफ से हो। लेकिन मनीषा ने अपने जवाब बिना बोले ही दे दिया है, जैसा कि मनीषा की आदत रही है। मनीषा रानी वैसे तो ज़्यादातर कॉन्ट्रोवर्सी से दूर ही रही हैं, चाहे वो नेगेटिव पीआर की कॉन्ट्रोवर्सी हो, एल्विश यादव की स्नैक वेनम कॉन्ट्रोवर्सी या फिर एल्विश के कई सारे कॉन्ट्रोवर्सी। लेकिन हाँ, मनीषा ने एक बार जवाब दिया जब मनीषा को लगातार टारगेट किया जा रहा था, जब एल्विश यादव ने अनफॉलो किया था और मनीषा को अब सेवेज बॉस लेडी भी बताया जा रहा है। और वाकई में सेवेज अगर रिप्लाई देकर एल्विश यादव का कोई बोल मुँह बंद कर सकता है तो वो मनीषा ही है, ऐसा फैंस मानते हैं। फिलहाल आप बताना कमेंट बॉक्स में मनीषा के इस जलवे पर आपका क्या है ओपिनियन। और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।